अपने इस वीडियो में आज आपको बताते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनके शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होने की खबरें मीडिया में आती रही हैं। सेलिना जेटली। मिस इंडिया सेलिना जेटली शादी से पहले ही अपने हस्बैंड पीटर हॉक को डेट कर रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो जेटली शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी एंड 2012 में उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कोंकड़ा सेन शर्मा। कोको ने 2010 में अपने घर पर एक छोटा सा फंक्शन अरेंज करके एक्टर रणवीर शौरी से शादी कर ली थी। वेल 2011 में कोंकड़ा ने एक बेटे को जन्म दिया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कोंकड़ा ने प्रेगनेंसी की वजह से ही जल्दबाजी में शादी की। अमृता अरोड़ा। अपने चुलबुले कैरेक्टर के लिए जानी जाने वाली अमृता अरोड़ा ने 2009 में बिजनेसमैन शकील से शादी कर ली। कहा जाता है कि वो बिफोर मैरिज ही प्रेग्नेंट थी एंड शादी के कुछ ही टाइम बाद उन्होंने भी ये अनाउंस कर दिया कि वो माँ बनने वाली है। महिमा चौधरी। कहा जाता है कि महिमा ने 2006 में एक मैरिज फंक्शन में बॉबी मुखर्जी के साथ शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी एंड शादी के कुछ ही महीने बाद महिमा चौधरी ने एक बेटी को जन्म दिया। श्रीदेवी। पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस श्रीदेवी ने अपने बोल्ड अंदाज में ये बात ओपनली एक्सेप्ट की कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। श्रीदेवी और बोनी कपूर ने 1996 में शादी की थी जिसके कुछ महीनों बाद ही इनकी बड़ी बेटी जाह्नवी पैदा हुई थी। नीना गुप्ता। कहा जाता है कि उन्होंने मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड के साथ रिलेशनशिप के चलते बहुत हिम्मत दिखाकर बिफोर मैरिज प्रेग्नेंट होने का बहुत ही टफ डिसीजन लिया। उन्होंने शादी से पहले ही 1989 में बेटी मसाबा को जन्म दिया। सारिका। एक्ट्रेस सारिका का साउथ इंडियन स्टार कमल हसन के साथ अफेयर चलने की खबरें मीडिया में थी। पहली वाइफ से डिवोर्स लेने के बाद कमल सारिका के साथ रहने लगे। 1986 में सारिका ने बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया और फिर 1988 में शादी कर ली थी। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।